अम्मी ये देखें, इतनी कितनी ढीली शर्ट है, मैं कह रही थी ना आपको, बिल्कुल थेरा लग रही हो, अजीब जोकर सी। कोई जोकर नहीं लग रही हो, बिल्कुल ठीक है। अब क्या तुम्हारे जिस्म पे रख के सी थी? आपको नहीं पता ना, सफर चाचू की बेटियां एक से बढ़कर एक डिजाइनर का सूट पहनती हैं। और आप शायद भूल रही हैं, तकरीब ना हॉल में है, हॉल में। हम तुम्हारे जफर चाचू के बेटे की ना रोजा कुशाई में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में या किसी मॉडलिंग शो में नहीं जा रहे। हाँ, पता है। नादिया जरा देखना इसकी शर्ट कहाँ से बुरी लग रही है। हाँ हिरा, शर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी थैला नहीं लग रही। आप बिल्कुल चुप रहे हैं, आपके अंदर ना अम्मी की रूह घुसी हुई है। ऐसा करती मैं नहीं जाती, आप लोग जाए। क्या हो गया हिरा, इतनी सी बात पे कोई नाराज होता है क्या? अच्छा लाओ तो जल्दी से, मैं इसकी साइडें भर देती हूँ। अम्मी आप समझाएं इसे। साइडें भरने से ठीक लगेगी? हाँ कुछ तो हो जाएगा ना। दो इधर जाओ, सुई धागा लेकर आओ। अच्छा सुई धागे से क्या होगा, सही लगूंगी मैं। हाँ मैं साइडें भर देती हूँ ना जल्दी से। क्या हो रहा है भाई, किस बात का शोर है? अरे वही आपकी छोटी लाडली, जरा सी कमीज क्या ढीली हो गई, सर घर पर उठा लिया। रुखसाना पहले ही बहुत देर हो गई, जल्दी करो, इफ्तारी पर आखिरी वक्त पर पहुंचना बुरा लगता है। हरम कहाँ आया नहीं अभी तक? रिक्शा लेने गया है, आता ही होगा। ले आई मैं, ये लीजिए। बेटा पहले ही देर हो रही है, ऐसे ही पहन लेती। अब्बू जफर चाचू की बेटियां ना एक से बढ़कर एक कपड़े पहनी हुई होंगी, बिल्कुल नए ब्रांडेड। हमें तो ईद के ईद ही नया सूट नसीब होता है। और ये जो सूट देख रहे हैं ना आप, ये भी कोई नया नहीं है, पुराना सूट है जिसकी फिटिंग करवा रही। कम से कम इस सूट को तो ढंग से पहनने दें, मुझे मजाक उड़ाएंगे सारे। भाई मैं आइंदा रिक्शा लेने नहीं जाऊंगा, क्या हालत कर दी है। अब्बा 50 रुपए ले। 50 तो नहीं खुले। अजीब है, जब आपसे मांगो आपके पास खुले नहीं होते। सही ड्रामे लगाए हैं सबने। कंगा दो यार। भाई यही रख रहा था। नादिया तैयार हुई कि नहीं? तुम जाओ जल्दी पहन के आओ, देर हो रही है वैसे। अब ये कर तो लेने दे मेरे। हां कर रही हूं मशीन को भी जल्दी कर ले यार, मैं ही रह जाऊंगी। अच्छा वहां खड़ा हुआ देख कर नहीं आ सकता। हां अजीब हो। अरे तो अम्मी शर्ट तो दे दे मुझे। चलो भाई जल्दी निकलो यार, देर हो रही है, रक्षा खड़ा है वहां। एंड टाइम पे इस लड़की को सारे काम याद आते हैं। अम्मी जल्दी जल्दी। हिरा क्या हुआ, क्यों इतना नाराज हो रही हो? आप ही बात ना नाराजी की नहीं, बात अब्बू की खुददारी की है। सफर चाचू अच्छा खासा मैं छोड़ रहे थे, मगर बीच में हमारे अब्बू की खुददारी आ गई। बस करो हिरा, तुम शायद भूल रही हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अरे रिक्शे में ही तो आए हैं, पैदल थोड़ी आए हैं। आपने ये बात मत कर, मैं जिस मुश्किल से बैठकर आई हूँ ना मैं ही जानती हूँ। अच्छा खासा सफर चाचू मैं कार में छोड़ रहे थे, कार में बैठकर आ जाते तो क्या जाता। हिरा तुम अभी नादान हो, तुम रिश्तों को नहीं समझती। हाँ आप ही मैं नहीं पहचानती, आप तो समझ गई ना रिश्ते, बस काफी है। जाने में देर हो गई, बस में भी अलग वक्त नहीं जाना है। अरे आप वो मंगा लेना, कॉल करके वो जो मोटरसाइकिल मंगवाता है अधम। वो तो अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन से मंगवाता है, मुझे तो बस के ही धक्के खाने हैं। अगर पढ़ा लिखा होता तो कोई अच्छी नौकरी होती, गाड़ी ना सही कम से कम एक मोटरसाइकिल तो होती। हिरा की बातों को दिल पे ले लिया आपने? अरे जानते तो हैं आप वो किस मिजाज की लड़की है। रुखसाना कभी कभी बच्चे ऐसी सच्ची बात कर जाते हैं जो बहुत कड़वी होती है। ऐसा ना कहें, आपने हमेशा डबल नौकरी की है, बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। कौन सी बड़ी बात है, हर वालदेन करते हैं। अनोखी बात है, आज के इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना अनोखी बात है। आपने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सिवाय अल्लाह के, कभी हिम्मत नहीं हारी है। ये तो अब आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, वरना आज भी आप ना दो नौकरियां जरूर करते।
मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हों, मगर अफसोस अबू वो इफ्तार के लिए खजूरें खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा, आते हुए ले आऊंगा। रुखसाना, कुछ पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ, मैं देखती हूँ, शायद 200-300 रुपये हैं। अबू आप परेशान मत हो। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ। ये मिले हैं कुछ पैसे, 160 रुपये। आपके पास किराए के पैसे तो है ना? हाँ वो है, वो मेरा बेल्ट दे दो। कहाँ है? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नैला, मुझे बस इतना पैसा कमाना है कि छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए ना पैसों की मोहताजी ना करनी पड़े और हम खुश रहें। खुशी पैसों से नहीं, रिश्ते और प्यार से होती है। ये सब कहने की बातें, बिना मोहब्बत और पैसे के इंसान की जिंदगी जहन्नुम हो जाती है, जैसे हमारी हो गई है। बहुत बुरी बात है, हम ऐसे नहीं कहते। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, और खुशियाँ तो हमारे कदम कदम पर होती हैं, बस हम उनमें खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम दूसरों की खुशियों से हिर्स करके अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने 2-3 दोस्तों को बुला हुआ है अपनी नौकरी का, दुआ करो हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। तुम कैसे करोगे शादी? तुम्हारी 2 बहनें हैं, पहले उनकी जिम्मेदारी है तुम पे। बहनों की भी शादी हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर वालों से कब मिलवा रही हो? अरे हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी मना करा है कि मैं नहीं मिलवा सकती, वो ऐसे नहीं मिलेंगे तुमसे। तुमने मेरे बारे में बताया ना, तो अब क्या मसला है? हाँ मैंने बता दिया है, मगर ऐसे नहीं मिलना, अपने वालिदैन को भेजना। वालिदैन भी आ जाएंगे, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मैं तुम्हारे अम्मी अबू से अकेले मिल लूँ, ताकि मुझे पता तो चले वो मुझे पसंद करते हैं नहीं करते, फिर अम्मी अबू को भेज दूँ। बस मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, मैं नहीं मिलवा सकती, और वैसे भी काफी देर हो चुकी है, बस हम चलते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं रिक्शा करवा दूँ? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतनी धूप में? हाँ मुझे आदत है, मैं खुद को किसी का मोहताज नहीं बनाती। अम्मी दूध तो बहुत कम है। हाँ तुम ऐसा करो ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। अम्मी वो तो मैंने पहले ही मिला दिया। मेरी प्यारी सूखड़ बेटी, देखो आज मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा तो है खजूरों के साथ थोड़े से फ्रूट लेते आए, जब से रमजान शरीफ आए हैं फ्रूट चाट नहीं बना। कोई बात नहीं अम्मी, हम इफ्तारी के बाद फौरन खाना तो खा लेते हैं। हाँ लेकिन अफ्तार का अहतमाम करना भी सुन्नत रसूल है ना। अल्लाह ने हमें जितना दिया है हम उसमें गुजारा कर तो लेते हैं, फिर क्यों बिला वजह अब्बू पे बोझ बने। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी जैसी औलाद अल्लाह तमाम वालदैन को दे। काश ये बात हिरा और अरहम भी समझ जाए। वो दोनों भी समझ जाएंगे। अच्छा अम्मी मैं बेसन रेडी कर लेती हूँ पकौड़ों के लिए। ठीक है। अम्मी अम्मी, अरे हाँ इसका बोलो, अम्मी सो रही हैं। आप मैं ना बसों के धक्के और नहीं खा सकती हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे कॉलेज आने जाने के लिए ना रक्षा लगवा कर दें मुझे।
हेरा बेटा ऐसा क्या हो गया है? तुम अकेली तो बस में सफर नहीं करती ना, सभी आते जाते हैं। तो आप ही मुझे सबसे क्या लेना देना? ऐसे तो मेरे कॉलेज में लड़कियां ना साइकिल पर भी आती, तो क्या करूं? तो सीखो उनसे। मुझे नहीं पता, आपको पता है मुझे बस में सफर करने से ना घुटन होती है। हमारी किस्मत में यही रह गया है। हेरा तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बू की तनख्वाह इतनी नहीं है, फिर भी जिद कर रही हो। और ये किस्मत को बुरा भला मत कहा करो, किस्मत है तो खुदा लिखता है और वो किसी का बुरा नहीं चाहता। तो अभी मैं क्या करूं? मेरी कॉलेज फ्रेंड्स है ना मेरा मजाक उड़ाती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है तुम उनके मजाक उड़ाने की वजह से ये सब कर रही हो। जी, क्योंकि मुझे ना ये फकीरों वाली जिंदगी नहीं जीनी। हीरा मेरा बच्चा बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी। कैसे समझाऊं उसे? कितने पैसे हमारे पास अभी? 400-500 रुपए पड़े होंगे बस। ईद में भी अभी एक हफ्ता पड़ा है। आप अपनी कंपनी में बात करें ना एडवांस तनख्वाह की। तनख्वाह वक्त पर मिल जाए यही बहुत है, वक्त से पहले बहुत दूर की बात है। आप परेशान ना हो, मेरे पास कुछ स्टील के बर्तन हैं, मैं सोच रही हूँ वो बाजार में ले जाकर बेच आऊं। इरशाद एक बात बताएं, आपके बड़े भाई को अल्लाह ने इतना बड़ा घर दिया है, हर नेमत से नवाजा है, वो आपको पूछते क्यों नहीं है? आजकल सगे भाई एक नहीं होते, फिर वो तो मेरी खाला के बेटे हैं। हाँ कह तो आप ठीक ही रहे। उस दिन अफ्तार पार्टी में भी उनका रवैया बड़ा वाजिबी सा था। मैं अगर कोई बद अखलाक औरत होती ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाती। हम गरीब जरूर हैं पर इज्जतदार हैं। वो शुरू से ऐसे ही हैं मगरूर। मुझे समझ नहीं आता किस बात का गुरूर है। उनके पास जो कुछ भी है ना वो सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और एक बात बताऊं, अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अम्मी खाने में क्या है? अभी कुछ नहीं है, अब जो कुछ खाना सुबह सहरी में खाना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे रोज हमारे घर में कुछ नया ही बनता है। जो कल रात का पड़ा है ना उसी का पूछ रहा हूँ। अभी कल का भी कुछ नहीं है। वाह तो सहरी में क्या खाएंगे? बेटा सुबह सहरी में दही रोटी खा लेंगे। हमारे घर में कुछ ढंग का नहीं बन सकता ना? और हम कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा सा तो ख्याल करो, महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। हमारे घर में महीना शुरू होते ही आखिरी तारीख आ जाती है अम्मी। और हम होश में हो, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, बाप का सहारा क्यों नहीं बनते, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैं नौकरी करूं? बड़ी आला तालीम हासिल की है ना मैंने, इंटर करवा के तो छुड़वा दिया। मैं जा रहा हूँ दोस्तों में, वहीं जाके खा लूंगा। बात सुनो मेरी, नौकरी के लिए जो है ना हुनर की जरूरत होती है। तुम्हारी उम्र के लड़के जो है ना वो नौकरी भी करते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं, सुना तुमने? अम्मी प्लीज आपकी बातों से मेरा पेट नहीं भर जाएगा, जा रहा हूँ दोस्तों में, वहीं जाके कुछ खा लूंगा। नालायक औलाद है, जरा एहसास नहीं है माँ बाप का। आप परेशान नहीं हो, ये आता है तो मैं इसकी क्लास देती हूँ। हद हो गई, आप ही, आपने ना शैंपू की बोतल में इतना पानी भर दिया गया, इसमें ना शैंपू नहीं सिर्फ पानी बचाएगा। देखें मैंने भी कल सर धोया है, बिल्कुल ठीक धुल गए बाल। मैंने आज धोए, अभी धोए, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा भी था कि शैंपू मंगवा के रख लेती। चले ठीक है पूरी बॉटल मत मंगवाएं, मगर कम से कम अरम भाई से कहकर एक साशे ही मंगवा देती। अरे मेरा बच्चा तुम्हें रोजाना शैंपू करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी ज्यादा शैंपू करने से बाल गिर जाता है। जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, कितनी लड़कियां होती होंगी जो कपड़े धोने वाले साबुन से बाल धोती होंगी।
मैं अपने से नीचे वालों को क्यों देखूं आपी? मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं नीचे देखती रह गई ना तो नीचे ही रह जाऊंगी। अरे मेरा बच्चा, मेरे कहने का मतलब है हर हाल में खुदा का शुक्र अदा किया करो। बहुत सोच से अच्छी हो तुम। देखो ना माशाल्लाह, रहने को छत है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, माँ बाप हैं, रिश्ते हैं। हर इंसान को ये सब नसीब नहीं होता। आप ही, आप ना अम्मी की तरह बातें मत किया करें। आपके चेहरे पर अभी से पक्कापन आ रहा है। शैम्पू। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे मैनेजर साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? मैं पीछे बंगले में ही रहता हूँ। पता चला आप यहाँ रहते हैं तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए ना, ये मेरा छोटा सा गरीब खाना है। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। इशान साहब, आपसे काम था, इसी सिलसिले में आपके पास आया था। जी जी इमरान साहब, हुक्म कीजिए। ये सामान आपको देना था, प्लीज़ गलत मत समझिएगा मुझे। सामान? कैसा सामान, क्या है इसमें? इशान साहब बस मुझे गलत मत समझिएगा, इसमें राशन है आपके भाभी और बच्चों के लिए, ईद के कपड़े। नहीं नहीं इमरान साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ इरशाद साहब कि आपने कभी अपनी ज़रूरतों का तस्करा मुझसे नहीं किया, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए। इमरान साहब, मेरी उम्र 50 साल है और मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी इंसान से मदद नहीं की। जो किया है अपने बलबूते पर किया है, जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह से मांगा। मैं इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये नहीं रह सकता। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, आप बराए मेहरबानी उन्हें दे दें। अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, दो की रोटी खा लेते हैं हम। ठीक है शाह साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। बस ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। ठीक है फिर, मुझे इजाज़त दीजिए, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं नहीं इमरान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी नीयत जो है मेरे लिए वो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल होगी, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। शुक्रिया। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक है, बस थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो थक जाती हूँ। देखना, शादी के बाद तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले खुद तो नौकरी कर लो, तुम्हारी सिर्फ बातें ही हैं। सिर्फ बातें नहीं हैं, देखना जिस दिन हमारे पास पैसे होंगे ना, तुम्हें रिक्शे और बस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो ख्वाब नहीं देखती जो पूरे ना हो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखती हूँ। तुम्हें पता है गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? कि वो अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। तो तुम क्या कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर तो रहा हूँ, सारे दोस्तों को बोला हुआ जॉब का, मैं वाकई तुम्हारा ख्याल करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी का इरादा कर लिया? तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारी फैमिली अच्छी है, मुझे नहीं लगता तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। तुम बस शौक के लिए कर रही हो, एक अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारी अम्मी पढ़ी लिखी है, और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी शादी हमेशा पढ़ी लिखी फैमिली में। बहुत थोड़ा जाने हो तुम मुझे। 10 महीने में जितना जान सकता था उतना जाना हूँ तुम्हें। तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, अम्मी और तुम अकेले रहते हो, बाकी बातें शादी के बाद। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
मैं कल अपने घर में बात करूंगा, तुम्हारी हो मेरी, तुम बात करोगी? पहले कोई जॉब ढूंढो। कल जुमातुल विदा का दिन है। जुमातुल विदा का दिन ईद के दिन से बड़ा करार दिया गया है। आप कल क्या पहनेंगे? जो है वही पहन लेंगे। साफ है कोई कपड़े? जी अम्मी, मैंने अब्बू का वाइट वाला कुर्ता सुबह ही धो दिया था, बस उसे अभी आयरन कर रही थी। मेरी ये बच्ची बहुत समझदार है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे अब्बू, ये आपके पैरों पे क्या हुआ है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ। अब्बू आप मुझसे तो झूठ नहीं बोले, मुझे पता है आपके जूतों में पितावा नहीं है। कभी कभी आप कागज लगाते हैं, कभी कपड़ा लगाते हैं, और घंटों खड़े रहते हैं। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। आप अपने जूतों के लिए पतावा क्यों नहीं ले लेते? कोई हजारों रुपए के थोड़ी आते हैं। पांच लोगों का पेट पालने वाले एक नौकरी पेशा आदमी के लिए 150 की भी हजारों रुपए जितनी अहमियत होती है। बस अभी लगा। अरे बेटा रहने दो, ठीक हो जाएगा खुद ही। जी नहीं, ये बस थोड़ा सा सरसों का तेल मिला है, ये मैं आपके पैरों पे लगा दूंगी। और हाँ अबू, आप हमें अपनी खिदमत करने से नहीं रोका करें। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग का साया हमारे सर पे कायम है, और आपने भी तो कितनी कुर्बानियां दी हैं हम लोग के लिए। हम उसका बदला तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी खिदमतें करके हम खुद को सुकून तो दे सकते हैं ना। जीते रहे मेरी बच्ची। अब आपको फौरी आराम आ जाएगा। बस बस ठीक है। ये किसके घर आ गए? अबे ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ, खुश हो जाएगा तू। हर वक्त कहता है ना घर में खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, आज खुश होके जाएगा तू। मतलब मैं तेरी बात नहीं समझा। साहब आ गए, साहब आ गए। आइए आइए आइए। ले भाई उठा, आ जाओ। मेरे लिए? हाँ भाई तेरे लिए। वालेकुम सलाम, ले लो आपके लिए। अगर मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, शुक्रिया सेठ साहब। बात सुनो, सलाम। और कुछ भी चाहिए हो ना तो लाजमी मुझे याद कर लेना। ठीक है, शुक्रिया साहब। क्या हो गया भैया, गाड़ी बंद हो गई? अरे हाँ यार इरशाद भाई, पता नहीं स्टार्ट होती है बंद हो जाती है, परेशान हो गया हूँ। अम्मी को चेकअप के लिए लेके जाना है और मैकेनिक पता नहीं कब मिलेगा। आप जरा सेल्फ मारो।
अरे इरशाद भाई कहाँ आप कपड़े खराब कर रहे हो अपने, छोड़ो रहने दो, मैं धक्का लगा के घर ले जाऊंगा इसे। अरे आप सेल्फ तो मारो, मैं देखता हूँ। स्विच बंद करते हैं जरा। क्या हो गया अर्शाद भाई? नीचे की तरफ कोई मसला है, मैं देखता हूँ। अरे अर्शाद भाई कहाँ नीचे जा रहे हैं आप, कपड़े खराब हो जाएंगे आपके। अरे यार आसे अरे इरशाद भाई आपने तो अपने सारे कपड़े खराब कर लिए। कोई बात नहीं, इसका नीचे से रिले निकला हुआ था, मैंने लगा दिया है, अब इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप स्टार्ट करो। अरे वाह यार इरशाद भाई, आपने तो कमाल कर दिया, मसला हल कर दिया मेरा बहुत बड़ा। कोई बात नहीं। अरे अरे कहाँ चल दिया इरशाद भाई, जरा रुके तो सही। ये लीजिए। माफ कीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे ले लीजिए इरशाद भाई, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, रमजान का महीना, हमें पता है किसको कितनी ज़रूरत है और किसको नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैंने कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया, रोकी सोकी खाता हूँ, गुजारा हो जाता है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वही मुश्किल कुशा है। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कर रही हो नादिया? अम्मी मैंने सोचा मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अब्बू देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अम्मी मैं उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। अरे मेरा बच्चा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू को इतना रिस्क दे कि हमारा गुजारा आसानी से हो सके। ये दुआ तो मैं हर रोज करती हूँ। जीती रहो मेरी बेटी। और अम्मी वो अरम राशन लेकर आया था। राशन कहाँ से लाया? पता नहीं, बहुत जल्दी जल्दी में था, मेरे पूछने से बस इतना बताया कि पैसे जमा करके राशन लाया है। अच्छा यार अल्लाह मुझे माफ कर देना, हम तेरे गुनाहगार बनते हैं, तू बड़ा गफूर रहीम है मेरे मालिक। जाने अनजाने में हमसे होने वाली गलतियों को कोताहियों को माफ फरमा, अपने करम से हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हम हमारे मसाइल को हल फरमा दे मेरे मौला, हम पर अपना खास रहम व करम नाज़िल फरमा, हमारे घरों में रहमत बरकत अता फरमा दे, हमें सीधे रास्ते पर चला। ए मेरे मालिक इस माह रमजान की ताकत है, नसीब वालों को मिलती है। या अल्लाह इन ताकतों के वसीले से हमें बख्श दे मेरे मालिक, हमें बख्श दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हिरा इफ्तार का टाइम होने वाला है और तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हिरा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है? कुछ बताओ तो सही। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना फायजा, बहुत अमीर है, पता है मुझसे बहुत मुतासिर होती थी, उसको देखती नहीं थी ना तो सोचती थी कि हम इतने अमीर क्यों नहीं है। अगर आपको पता है वो अपने अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहती, उसकी अम्मी अब्बू की तलाक हो चुकी है और अब ना उसकी अम्मी उसको अपने साथ रखना चाहती है और ना उसकी अब्बू। अभी आपको पता है ड्रग्स भी इस्तेमाल करती थी। अल्लाह, आज तक कॉलेज में कोई ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई तो हम सबको ये बात मालूम हुई है। बहुत अफसोस हुआ, अभी आप कहती थी ना किस्मत को कुछ ना कहो, इसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। मैं हमेशा मुतासिर होती थी पर मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात लिखी है। हाँ ठीक है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम अमीर नहीं है, मगर अभी हमारे पास सुकून की दौलत तो है ना। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है आपको, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे नहीं पगली, माफी मुझसे क्यों मांग रही हो? माफी तो माँ बाप से मांगो, जिनका जाने अनजाने में तुमने दिल दुखाया। मैंने आप दोनों को बहुत दिल दुखाया अपनी बातों से, मुझे माफ कर दे। ऐसे नहीं करते, तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ है? क्या आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया? ठीक तो है ना? ये मुंह खोलें, जल्दी खाएं दलिया, अभी तक नहीं खाया आपने। Thank you.
10 महीने में जितना जान सकता था उतना जानूं तो हमेशा से यही चाहता, मेरी शादी हमेशा पढ़ी लिखी फैमिली। तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी का इरादा कर लिया? मुझे नहीं लगता तुम्हें जॉब की जरूरत है, तुम बस शौक के लिए कर रही हो। एक अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारी अम्मी पढ़ी लिखी है, और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी शादी हमेशा पढ़ी लिखी फैमिली। बहुत थोड़ा जाने हो तुम मुझे। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। सेठ साहब, आपने कहा था अगर कोई काम हो तो बताना। कौन हो तुम? आपने कुछ दिन पहले राशन दिया था। तू दूर रह के बात करो, राशन तो मैंने तुम्हें दे दिया था, अब क्या काम है? सेठ साहब, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी। मैंने फलाई अदारा खोल रखा है, तुम गरीबों का यही मसला है, उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ लेते हो। राशन तो मैंने दे दिया था तुझे, अब नौकरी भी मैं लेकर दूं तुझे। अब कल तुम कहोगे कि घर और गाड़ी भी मुझे दे दो। निकलो यहाँ से, निकालो इसे। निकल यहाँ से। सेठ साहब, मेरी बात तो सुने। शादी के बाद तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले खुद तो नौकरी कर लो, तुम्हारी सिर्फ बातें ही हैं। अरे शाह साहब, कहाँ चल दिए? बस घर ही जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद राशन बटोरने जा रहा है। क्या मतलब है? मतलब वो आपने कहा था ना कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्या है फिर, देखें जरा। मेरे लायक अगर कोई भी खिदमत, शुक्रिया सेठ। आपका बेटा ही है ना हरम, ये शहर के बड़े मशहूर ताजर हैं जो हर साल लोगों में राशन तकसीम करते हैं। आपका बेटा भी लेने गया था, अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। अरे उस दिन मैं आपको गाड़ी सही करने के पैसे दे रहा था, लेकिन आपकी तो इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी, तो फिर ये क्या है? आजीवा, क्या सफ़ेद पोशी है आपकी। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। मैं समझता था दुनिया में सब कुछ पैसा ही है, मगर मैं ये भूल गया कि अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। मगर नायला, नायला के पास तो कुछ भी नहीं, वो किस तरह अपना घर चलाती होगी। लेकिन वो कभी भी शिकवा नहीं करती अल्लाह से। और एक मैं हमेशा हमेशा अपने वालिदैन से लड़ता रहता हूँ, शिकवा करता हूँ। الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
हमारे मैनेजर साहब ने अपने बेटे को नादिया से पढ़वाने का कहा है और एडवांस में 5,000 रुपये दिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो अल्लाह कहाँ कहाँ से मदद करता है इसका पता भी नहीं होता। अम्मी ऐसा नहीं लग रहा कि आज चांद दिख जाएगा और कल ईद होगी, है ना? देखो कौन है गेट पे। मैं देखती हूँ, खोल रही हूँ, सबर नहीं होता। अबू मुझे आपसे बात करनी है। बेगैरत, अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए शर्म नहीं आई? यही सिखाया था तुझे, यही तरबियत की थी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी सबर और शुक्र के साथ गुजार, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और मेरी औलाद दूसरों के सामने हाथ फैलाती फिर रही। तुमने वो राशन ले कैसे लिया? घर में फाकों की नौबत तो नहीं आ गई थी ना? और अगर आ भी जाती तो तेरा बाप कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी किसी से मदद नहीं मांगता। वो मुझे राशन नहीं लेना था, मैं लालच में आ गया था। मैं ये भूल गया था कि और लाखों लोग हैं जो हमसे ज्यादा तंगी में, और वो शिकवा भी नहीं कर रहे। हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है, सारी नेमतें, हम फिर भी नाशुक्री कर रहे। अब्बू आप सही कहते थे, इंसान पैसे से नहीं, इंसान अपनी तरबियत और अपने अखलाक से अमीर होता है। उसे हमेशा अपने नीचे वालों की खिदमत करनी चाहिए। अम्मी अब्बू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं आपको घर चलाने में हाथ बटाऊंगा, मुझे माफ कर दे।